दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय प्रियदर्शनी स्कूल पट्टी पालमपुर। इस बार कांगड़ा लोकसभा सीट पर पवन काजल का ही जादू चलेगा। शांता और कपूर इन दिनों मोदी का राग अल्पाने में व्यस्त है। यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जनता अभी भूली नहीं है कि 1998 में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने ही मोदी को हिमाचल से बतौर प्रभारी हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था। कांगड़ा के इन दिनों गुरु चेला मोदी का नाम ले रहे हैं, जो हमेशा मोदी विरोधी दल में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव मुद्दों पर हो। अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने धर्मशाला आते समय भाजपा के एनएच ढूंढने चाहे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं दिखे। अग्निहोत्री ने भाजपा को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। वहीं सीएम जयराम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चुनावों के बाद पता चलेगा कौन बड़ा नेता है। देखिए, कांगड़ा सीट हम जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, और कांगड़ा सीट पे आजकल गुरु और चेला शांता कुमार और ये अपने कपूर साहब, ये इन दिनों मोदी के राग अलाप रहे हैं। हर जगह मोदी मोदी कर रहे हैं। दुनिया भी भूली नहीं है कि 1998 में इन लोगों ने क्या ये शर्त नहीं रखी थी कि मोदी को हिमाचल प्रदेश के प्रभारी से हटाया जाए। दो शर्तें रखी थी, एक धूमल के प्राइवेट सेक्रेटरी ओमकार ठाकुर को हटाया जाए और साथ में मोदी को हिमाचल के प्रभारी से हटाया जाए। और आज जो है ये हर गली कूचे में दे दाता के नाम मोदी के नाम पे दे दे हैं, जबकि इनकी हकीकत ये है कि ये हमेशा से मोदी विरोधी लोग रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पवन काजल हमने कैंडिडेट दिए हैं, हालांकि कांग्रेस तो निरपेक्ष और उसको बढ़ावा नहीं देती, लेकिन ओबीसी को हमेशा कैंडिडेट हमने दिया, चाहे वो नारायणचंद प्राशर को दिया था, चाहे चंद्र कुमार को दिया था और वो दोनों सांसद बने, और अब पवन काजल को दिया था तो पवन काजल भी सांसद बन के रहेंगे। तो हमेशा से, और शांता कुमार हमेशा से ओबीसी विरोध के लिए जाने जाते रहे हैं। जिस जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ओबीसी का विरोध किया, आजकल ओबीसी हमारा कैंडिडेट जो है उसके विरोध में खड़े हो गए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो चीफ पवन शर्मा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। मैं नीतू दमीर कांगड़ा जिला से, आप सभी कांगड़ा वासियों को विनती करती हूँ कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और आपने अपना मत का, जो हमारा मतदान होगा 19 मई को, उसका बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा बनाने का पूरा हमारा जो वो अभियान चला है उसको आपने सफल बनाना है और सही मत का उपयोग करना है। मेरी यही कांगड़ा जिला वासियों से विनती है और निवेदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315।